जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। अभी आप देख रहे हैं जो वो है शादी का उत्सव हॉल, इसको स्वयंवर उत्सव हॉल जिसका नाम है। और अभी मैं हूँ पटना के अनिसाबाद में, और कोविड काल के बाद जैसे ही लगन शुरू हुआ तो मानो इन उत्सव हॉलों में फिर से रौनक शुरू हो गई। देखिए बाहर गाड़ी लगे हैं, बारातियों का हुजूम है, और कमाने का अच्छा जरिया है पैसे वाले, और व्यवस्था करके कैटरिंग वाले सब शादी विवाह का कार्यक्रम करवा करके अच्छा कमा लेते हैं। और देखिए सजावट का इंतज़ाम बेहतरीन होता है, और डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह एक तरह से ये कहा जा सकता है। थोड़ा समय में ही अच्छा व्यवस्था हो जाता है, खाने पीने और हर चीज़ का डेकोरेशन हो, शादी ब्याह हो, छेका हो, तिलक हो। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो पटना का अनिसाबाद का एरिया है। यहाँ पे मैंने करीब दर्जनों की तादाद में मैरिज हॉल देखा है, और इसका पूरा डेकोरेशन ज़बरदस्त ढंग से है। देखिए आप कितना सुंदर वो दिख रहा है, एकदम बाहर से संरचना ऐसा है जैसे मानो कि महल, और उसके अंदर शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, और ज़बरदस्त डेकोरेशन है। और शादी के लिए वीडियो बनाने के लिए और उसको रॉयल लुक देने के लिए बेहतरीन है। यहाँ पे बहुत सारे मैरिज हॉल मैंने आपको देखा है ऐसा ऐसा, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन का महल नुमा आकृति वाला, एक दिन में से एक ये था। तो अभी लगन का सीज़न चलेगा कम से कम 14 दिसंबर तक, और उसमें रोज़ ये हॉल बुक रहेंगे, नई नई शादी कराएंगे जोड़ों का यहाँ पे। और कोविड के काल ये खुशनुमा एहसास अच्छा रहा, फिर से बाज़ार में रौनक लौटे हम यही आशा करेंगे। और ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बाहर देखिए वैसे ही यातायात अपने चरम पर है, और ये पटना की सड़कें हैं, रात का समय है और सुनसान इलाका है। जहाँ एक तरफ रौनक है वहाँ इस तरफ ज़िंदगी की दौड़ मची हुई है रोड पर, तो दोनों चीज़ें यहीं पर हैं और दोनों का एहसास आपके सामने है। चलिए इसी शब्दों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह ब्लॉग और ज्ञानवर्धक बातें देखते रहिए। जय हिंद।